अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। आज हम एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हैं। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे कि टेबल जो ना रिपेयर किस तरह करते हैं। जैसे कि ये टेबल सामने आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा टूट गया है, ठीक है। इसको अभी दोबारा रिपेयर करेंगे। ऊपर वाला फ्रेम जो ना वो निकाल देंगे और नीचे जो प्लास्टिक है वो छोड़ देंगे, और फ्रेम जो हम नया दोबारा इन पाइप से बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए उस्ताद इकबाल आए हैं, जो वो घूम रहे हैं, ठीक है। ये बनाएंगे और हमें बताएंगे किस तरह बनाते हैं। नाज़रीन, हम सेम फ्रेम ऐसे ही तैयार करेंगे जिस तरह का ये टेबल है, ऐसे ही नया तैयार करके देंगे। सिर्फ ऊपर वाला प्लास्टिक होगा, बाकी फ्रेम पूरा नया बनाएंगे उसी पैक से। हमने बड़े साइज के पाइप कटिंग कर लिए हैं, अब हम छोटे साइज के पाइप कटिंग करेंगे, फिर उसके आगे वेल्डिंग का काम है। नाज़रीन, हमारी 14 टेबल के माल कट गए हैं, अब करेंगे जुड़ाई, इसके वेल्डिंग करोगे इसको? अब इसको वेल्डिंग करेंगे, ठीक है ना। 14 टेबलों का माल कट गया पूरा। उस्ताद, ये आप कब से काम कर रहे हैं? ये 2002 से मैं काम छोटा था, उस टाइम से शुरू किया ये काम। अच्छा, आपका उस्ताद कौन है? मेरा उस्ताद मंठार अली। मंठार अली? जी हाँ। अच्छा, वो कहाँ पे होते हैं? आप कहाँ पे पहले कहाँ पे काम करते थे? मैं यहीं पे काम करता था, विंदर के इलाके में। अच्छा अच्छा, बलोचिस्तान का विंदर 10 मील है। जी जी, वहीं से। अब आप वेल्डिंग करें इसकी? जी हाँ। जी बस, टेबल का हमने नीचे वाला हिस्सा तैयार कर दिया है। नीचे वाला हिस्सा आऊं। अच्छा, ये इस तरह होगा? हाँ, ये इस तरह होगा। ये तैयार कर दिया, अब मुझे करना है ऊपर वाला फ्रेम तैयार। अच्छा अच्छा, सही है। उसका थोड़ा माल काट के सही। नाज़रीन, हमने तकरीबन ये दो फ्रेम बना दिए हैं, अब हम इसका जो नीचे वाला हिस्सा आता है वो बनाएंगे, जो मतलब टेबल में लगता है, उसके बाद उस पर स्क्रू लगते हैं वो बनाएंगे। इसके लिए उस्ताद माल काट रहे हैं, उसके बाद उसकी वेल्डिंग करेंगे।
उस्ताद ने ये भी काट दिए हैं तकरीबन, अब इस तरह के और बनाएंगे तकरीबन 13-14 टेबल्स हैं उसके लिए। फिर उसके बाद उसका जो बकाया सामान है वो ला के फिर इंशाल्लाह स्क्रू वगैरह इसके ला के नट बोल्ट वगैरह जो भी हैं ला के इंशाल्लाह जो भी लास्ट में फिटिंग है वो भी आपको दिखाएंगे हम। ये तैयार हो गया है, अब इसको उस्ताद जो नट लगा रहे हैं, इसको फिट कर रहे हैं। अब इसको इसको फिट करें, इसको किससे फिट होगा? ये प्लास्टिक का सिर्फ टेबल है, इसके नीचे जो फ्रेम था वो मैं निकाल दिया है, इसके लिए नया फ्रेम बनाया है जो अभी आपको दिखाया है टोटली। अभी इसको फिट करने के लिए, इसको मिलाने के लिए यहाँ पे हमें ये लगाना पड़ेगा और इस पर स्क्रू लगाने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको स्क्रू लगाएंगे। पहले लगा दिया है उस्ताद ने, फिर अब इसको स्क्रू लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो है ना ये वेल्ड होगा, कब्जे वेल्ड होंगे एक साइड पे। ये फ्रेम इस तरह इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब बकाया जो काम है जो वेल्डिंग का है, सिर्फ कब्जे लगाने हैं, कब लगाए। सर ये क्या लगा रहे हो? कब्जे। अच्छा ये क्यों लगा रहे हो? ये होल्ड हो जाए। कब से एक साइड पे लगेंगे? रोकने के लिए ये कपड़े लगाएंगे। रोकने के लिए कैसे? मतलब ये जहाँ पे खड़ा हो
जितनी ऊंचाई पे खड़ा हो, इसलिए मतलब लगाएंगे इसको, ये जितनी ऊंचाई पे खड़ा करना है इसको। हाँ। कर सकते हैं। ठीक चले इसका। खड़ा करो। नाज़रीन, हमारा टेबल मुकम्मल तैयार हो गया है और इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।